चरणों में चले हैं और वहां जाकर के गोमती मैया को साड़ी जो चूनड़ यात्रा थी चूनड़ को
Thank you.
चिरा दे के बिहारी ले की जय। श्री गजानंद महाराज की। इस दिव्य आयोजन में आपके द्वारा जो है श्री नानी भाई का मायरा स्मरण करेंगे, लेकिन आज जो थोड़ा सा गला भी साथ से दे रहा है, अभी कुछ ही समय में आप नानी भाई का मायरा स्मरण करेंगे दीदी के मुखार से। बोलिए वहां के भाई लाल की। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हैं नानी भाई रो मायरो नरसिंह जी में नागर कुल में एक भगत रो जन्म हुयो नरसिंह जी महाराज।
नाम रहो और नरसिंह जी महाराज नाम की कर नरसिंह जी महाराज भगवान भोलेनाथ ने मन पे और नरसिंह जी महाराज री दादी जय कुमार वे भी भगवान ने मन पे ओम तो शिव ही शिव को छोटा सा है और
भगवान भोलेनाथ ने अपनी दादी के साथ में मनावा जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने मनावा खूब मना महाराज, इतनी भक्ति कर नरसिंह जी महाराज जन्म गूंगा और बेरा हाँ मुंडों बोले कोनी कानों होने कोनी और अबार तो माही भी स्थिति है अबार तो हमारी भी यही स्थिति है कि मुंडों बोले उन्हें जाए। अब ठाकुर जी कृपा करें तो आगे कथा बढ़ेगी, नहीं तो आप सभी जानते हैं कि कैसे विश्राम देना पड़ेगा। तो आज नरसिंह जी महाराज जन्म गूंगा और बेरा नरसिंह जी महाराज दादी रे मन में विचार, आज मंदिर में देखियो एक महाराज बैठा है। नरसिंह जी महाराज दादी जावे और जल चढ़ाने नरसिंह जी महाराज दादी महाराज ने प्रणाम कर, महाराज ने देखियो कि डोकरी और डोकरी आयला और जगत री चर्चा करे और संत ने हरि री चर्चा पसंद है, जगत री चर्चा पसंद को नहीं। देखियो महाराज जगत री चर्चा पसंद को नहीं, तो आज महाराज नानी नरसिंह जी महाराज री जो दादी हैं वो जावे और महाराज ने कहे महाराज राम राम। महाराज तो भूले ही को नहीं, महाराज तो डोकरी ने देख क्या बंद कर, महाराज राम राम। महाराज कहे डोकरी मन में तो घणा ही राम करूं पर मुंडे को नहीं बोलू, आज कहे राम 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 राम। और आज आगे बढ़े हैं मन लागे कि महाराज द्वारिका में आए, द्वारिका सो आए थे जय श्री कृष्णा। महाराज को बोले ही को नहीं, आज महाराज डोकरी हट कर ले, डोकरी भी पक्की कि मैं भी महाराज ने बोला छोड़ू। महाराज डोकरी के महाराज राम 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 राम। अब महाराज आंखें खोली ने डोकरी ने कहा डोकरी अगर मैं नहीं बोलो तो मैं मारो मंत्र भूल ने थारो मंत्र याद हो जावे लो, राम 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 राम। महाराज आज कवे नरसिंह जी महाराज जी डोकरी महाराज नरसिंह जी महाराज जी दादी जय कुंवर ने कहे बोल मने हरि री चर्चा पसंद है मने जगत री चर्चा पसंद कोनी, बोल थारे की इच्छा वे कवे। मारे एक पोतो है नाम है नरसिंह जी महाराज, मुंडो बोले कोनी कानो हुणे कोनी, अगर वो बोलबा लग जावे अगर वो हुणबा लग जावे तो घणी मोटी कृपा होवे। बुला थारा पोता ने। अब महाराज नरसिंह जी महाराज री दादी आवाज लगावे, अरे ओ बोलिया अठिया। ये अपने गांव में बड़ी कला हो गया, मुंडायों जो गुंगा होता है उसका नाम रखा जाता है, कोई छोटो रह जावे तो उनरो नाम रख देवे के नहीं, कंड्रो नाम सही साठ है तो उनरे नाम रे पीछे मात्रा लगा के बोल। तो महाराज आज वो प्रकार उखवे नरसिंह जी महाराज आवे और महाराज प्रणाम करे, नरसिंह जी महाराज जी दादी कवे कि यो मारो पोतो है, पोता ने देख ने महाराज कहे डोकरी थारो पोतो तो घणो मोटो भगत है, थारो पोतो तो भक्ति करे। डोकरे क्यों हो मुडों बोले कोनी कान होने कोनी तू कटी करे, नहीं नहीं डोकरी थारो पोतो तो बोल ले। बोलो नरसी राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो नरसिंह जी महाराज रे काना में आवाज जाते राधे कृष्णा री महाराज, जन्म रो गुंगो बोलन हिक जावे, जन्म रो गुंगो बोलन लग जावे, राधे कृष्णा बोलन लग जावे।
आज महाराज नरसिंह जी महाराज बोली आ जावे हैं, बोली प्रदान करे हैं। डोकरी के महाराज ताने बोलाड फेकार दियो, मारो भी फर्ज बने कि मैं भी महाराज ने कहीं न कहीं दक्षिणा दे। अब महाराज पहला री डोकरिया घनी कंजूस होती, अभी री डोकरिया तो कंजूस कौन है, और अटे बैठी वे डोकरिया तो बिल्कुल कौन है। पहला री डोकरिया इतनी कंजूस होती महाराज, एक थैली साथे रखती और भी मैं रिपा और फिर महाराज अपने कने रखती। छोड़ छोरी यदि रिपा मांगे तो एक रुपये देती और एक महीना तक गणावती, काले तो दी दो तो परम के धन तो दी दो तो हाँ। तो महाराज डोकरी ने मन में विचार आयो कि मैं भी कहीं ना कहीं देऊं। तो मन में विचार आयो कि मैं भी तो कहीं ना कहीं देऊं। तो आज अपने थैली में हाथ ना के 5 रुपया खुदार आ जावे। डोकरी ने मन में विचार तो 5 रुपया रोकलदार है महाराज, 5 रुपया रोकलदार रोक ही करे, 5 हजार ले, 5 हजार ले महाराज। फिर हाथ ना के फिर 2 रुपया रोकलदार आवे। फिर मन में विचार की दो महाराज पूरा 2 रुपया महाराज, 2 रुपया पूरा 2 रुपया महाराज ने देवेला आने पाचा धरो। डोकरी बड़े कंजूस दर ले। आज मारा डोकरी मन में विचार आवे मारा दक्षिणा, तो मारो ही विचार बने कि मैं दक्षिणा देऊं, पर मैं दक्षिणा महाराज के देख डोकरी मारे थारो कहीं नहीं छाजे। तो एक काम कर जे कि तू तो गांव में जा न कने के हो जे मती, बस यही मारी दक्षिणा है। नहीं नहीं महाराज मारो भी फर्ज बने दक्षिणा तो मैं भी देऊं। ठीक महाराज चावे तो फिर डोकरी में रिप्यारी थैली में हाथ ना की और फिर काटी तो 1 रुपया रोकलदार आ जावे। डोकरी के हाँ यो ठीक है, पर विचार करे 1 रुपया रोकलदार अपन महाराज ने दे रिया, 1 रुपया रोकलदार में और बात और कई कई और पूछ लेवा। महाराज डोकरी रे हाथ में 1 रुपयो और डोकरी महाराज जो बात करे महाराज घरे चलता बढ़िया रेऊ। तो महाराज के देख डोकरी जगत रे चर्चा मने पसंद कुन, तू हरी रे चर्चा पसंद करे तो मारे आगे हरी रे चर्चा कर। नहीं नहीं महाराज दक्षिणा तो मैं भी देऊ। अब महाराज जानिया कि डोकरी तुम बिना दक्षिणा के जावेला नहीं। ठीक आपकी इच्छा है तो देव। अब डोकरी 1 रुपया जू मुठ्ठी खोली, 1 रुपया रोकलदार, वे 1 रुपया रोकलदार ने देख ने डोकरी जोर जोर रोबा लग जाए। महाराज कहवे कि क्यों रोवो हो, कई कारण है। डोकरी के महाराज ये 1 रुपया रोकलदार मासू दूरिया दूर हो जाते हैं तो यो भी रोवने मैं भी रो, क्यों डोक महाराज 1 रुपया रोकलदार ऊपर पसीनो आई गयो मुट्ठी बांध मेरी। तो डोकरी जाने कि महाराज रिपियो भी रोई रो के मुंह इनके दूर जा रही हो। आज महाराज अनेकों अनेक प्रकार हूं की कर नरसिंह जी महाराज ने बोली प्रदान करें। फिर महाराज के वे देख डोकरी तो गांव में जाने कने मती के हो कि मैं थारा पोता ने बोलती दिखाड़ियो। नरसिंह जी महाराज मनारी दादी घर रही और जा रही। आज महाराज नरसिंह जी महाराज री भोजाई कवे कि आई गया सासु मां थर पोतो कटे गुंगो। नरसिंह जी महाराज री दादी कहे खबरदार जो मारा पोता ने गुंगो कयो, मारो पोतो बोले बोले हां। बुलाओ महाराज नरसिंह जी महाराज आवे। नरसिंह जी ने कवे कि बोल नरसिंह जी, बोलो बेटा महाराज मंदिर में कई बोलिया, महाराज मंदिर में कई बोलिया।
नरसिंह जी के भोजाई जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण महाराज जन्म रो गुंगो बोलन के। अब महाराज नरसिंह जी महाराज री भोजाई कवे सासू जी मने बताओ आप रो पोतो की कर बोले कड्डू बोले नाया मने बताओ मारे गांव में घणाई गुंगा गेला छोड़ छोरी है वेले ही वे बोलते कर जावेला मने बताओ महाराज डोकरी मन में विचार करे कि महाराज ने मना की दो कि कने केवणो कोनी पर कने केवणो कोनी आ तो अपने घर रही है तो कह दी दो महाराज कि देख मु थने केऊ पर तू कने मती केऊ जे हां ये सबसे बड़ी बात है। यदि कोई बात का प्रचार करना हो तो माताओं के सामने कह दो और ऊपर से एक बात और कह दो कि देख यह बात कने केऊ जे मती हो थारी और मारे बीच रहनी छपे फिर देखो महाराज उसका प्रचार होगा। कने केओ जे मती कने केओ जे मती कने केओ जे मती। आज महाराज की कर चाले हैं नरसिंह जी महाराज री दादी कवे तू कने केओ जे मती अपना गांव में एक महाराज आया है मिंदर में और वे ही मारा पोता ने बोलाड़ता ही खड़ियो है। ठीक है महाराज नरसिंह जी महाराज री भोजई गांव में जावे सभी के महाराज थारो जो देवर हैं की कर बोलन ही क्यों। नरसिंह जी महाराज री भाभी जी कवे भोजाई जी के महाराज आपन तो अपने गांव में कणा किदी जावा अपना गांव रा टब्बर ने हावड़ करला तो कवे कि देखो मैं मारी सासू जी ने कयो कि तू कणे केव जे मती पर मैं थाने क्यों ने थी कणे केव जो मती। आज महाराज चर्चा फैलती 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 पूरा नगर में फैल जावे पूरा नगर वासी सभी मिंदर में जावे महाराज ने देखे तो महाराज तो है ही नहीं वे महाराज कोई और नहीं महाराज स्वयं द्वारिकाधीश नरसिंह जी महाराज को होली प्रदान करना चाहिए स्वयं द्वारिकाधीश। आज जन्म रो गुंगो बोले जन्म रो बेरो होना नहीं जावे कि राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम
दादी रो भी देहांत हो जावे हैं। और ये घटना कहीं और की नहीं है, ये घटना यही पास में गुजरात में जूनागढ़। हम चले थे ना सोमनाथ, और सोमनाथ से एक और रास्ता है जूनागढ़, तो महाराज वही की घटना है। तो आज कहो जावे हैं नरसिंह जी महाराज छोटा सा है, भाई और भौजाई रे सते रहे हैं, भौजाई तो दुख देवे फिर भी नरसिंह जी महाराज काम करता रहे हैं, अपनी भौजाई ने मां समान रखे हैं। कई समय भी तो महाराज नरसिंह जी महाराज रो भी ब्याह हो जावे। अब ब्याह हुए तो महाराज नरसिंह जी महाराज री भौजाई ओटा देवे, ओटा मने ताना ताना देवे, ओ नरसिंह जी री लुगाई महाराज यू नहीं करे, वो नहीं करे, वो काम नहीं करे, यू नहीं करे, फटाणो डिमको सब। आज महाराज नरसिंह जी महाराज री लुगाई झाड़ू निकाले, पीछे पीछे कचरो डाल देवे हैं, फिर भी इतनी शांत स्वभाव री कि पीछे पीछे वापस से झाड़ू काटवा लग जाए। आज महाराज नरसिंह जी महाराज री भौजाई के वे आज या तो यो रवेला घर में या फिर मेरे। नरसिंह जी महाराज के भौजाई जी घर में तो आप रहे हो, मैं तो मारे अलग कुटिया बना के रेवला। मारा नाथ नरसिंह जी महाराज अलग कुटिया बनान रेवा लग जावे हैं। आज नरसिंह जी महाराज अलग कुटिया बनाने रेवे, नरसिंह जी महाराज मन में विचार करे कि अब कई करियो जावे। अपना कुल में सबने महादेव जी ने मनाया है, अपन भी महादेव जी ने मनाया, अपन भी भोलेनाथ ने मनावा, आज भोलेनाथ ने मनावा लग जावे। और की कर के मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, आज महाराज आग धतूरा ल्याऊं, और भोलेनाथ ने इतना मनावे महाराज, इतना मनावे, इतना मनावे कि भोलेनाथ प्रकट हो जावे, आज प्रसन्न हो जावे। और नरसिंह जी ने कहे मांगो नरसिंह कई मांगो, मांग नरसिंह कई मांगे ही कि भोले प्रकट भए शिव राजा, वरी मांगो सारू काजा। बोले प्रकट भए शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, मांगो नरसिंह। नरसिंह जी कहे माने कैसे नहीं चावे महाराज, मने तो खाली मोको और कछु ना, मुको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, मुको और कछु ना चाहिए, मुको राधा कृष्ण मिलाइए, मुको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, मुको धन धन नरसिंह
ऐसे थोड़ी मिलेंगे, हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे सीधे सीधे और तालियों को कहेंगे ओम को ओर का छूना श्री राधा, ओम को ओर का छूना श्री राधा, ओम को मोहि राधा, ओम को श्री राधा कृष्ण बोले ना के की वानर सी तो तू घणो मोटो भगत होयो, ऐसी बुद्धि किसी कोई और नहीं पा सकता महाराज, की ऐसी बुद्धि और कौन पावे हरि भगतन को हरि भावे, ऐसी बुद्धि कोई और नहीं पा सकता महाराज, हरि भक्तन को हरि भावे। आज महाराज धन्य धन्य नरसी बुद्धि थारी, थे तो वर मांगियो अति भारी। आज कवे फिर भी कि महाराज मने राधा कृष्ण रा रासरा दर्शन करा दो, रासरा दर्शन, रासरा दर्शन करना है तो नरसी जी गोपी बननो पड़े, नरसी जी मने गोपी बनाओ गोप बनाओ पर मने रासरा दर्शन कर। आज महाराज भोलेनाथ के वे ठीक है महाराज चलो साथे, भोलेनाथ जाने हैं कि गोपी की कर बनो, आप सभी जाने गोपी भाव मन में होना चाहिए, साड़ी चुनरी पहने ना पहने पर मन में गोपी भाव होना चाहिए। आज महाराज नरसिंह जी ने रास में ले जाए हैं और बड़ो सुंदर रास चल रहा है। आज नरसिंह जी ने कहे नरसिंह जी जब मैं भी पहली बार रास में गयो हूँ पार्वती जी श्रृंगार कर, तो महाराज कहे कि मारे भी मन में बड़ी चटचटी लगी है, मैं अपने साथे रास में चालू हूँ। पार्वती जी कहे नहीं नरसिंह वटे तो पुरुष जावे नहीं और आप की कर चालो, आपने की कर ले जावा। बोले नाथ कहे कि वटे पुरुष नहीं जावे तो मने गोपी बनाओ पर मैं चालू, कि ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज में, इस राज में। और कोई पूछेगा तो क्या कहूंगी कि मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को अरे लगा के बिंदिया और पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी और चाल चले मत वाली ब्रिज दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी।
कोई पुरुष नहीं जाता, कैसे चलोगे? नहीं महाराज, मैं तो चलूंगा। बढ़िया सुंदर गोपी का श्रृंगार करके महादेव जी पहुंच गए। बड़ा सुंदर रास चल रहा है, और रास में क्या हो रहा है, आज महाराज इतना सुंदर श्रृंगार किया पार्वती जी ने, चूड़ी पहनाई, गजरा पहनाया, और महाराज इतना सुंदर मेकअप शेकअप आज महादेव जी का किया, और घूंघट निकाल दिया, कहा कि स्वामी ध्यान रहे कि आप वहां घूंघट मत उठाना, अगर घूंघट उठा दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कि गड़बड़ क्या होगी कि वहां पर सारी गोपियां कहेगी कि लंबी मूछा वाली गोपी कटू वहीं, तो घूंघट मत उठाना। ठीक है महाराज, रास में पहुंच गए ठाकुर जी हाथों में गुलाल लेकर के, और गोपी के ऊपर डालने के लिए दौड़ते हैं। गोपी कहती है, अरे ना 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 सांवरिया, ओ रंग मत डारे, रंग मत डारे, ओ रंग मत डारे रे सांवरिया, मारो गुजर